पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे ने जीता कुश्ती का मैच, वहीं इस मैच में दूसरे नंबर पर सेंट्रल रेलवे व तीसरे नंबर पर पूर्वोत्तर रेलवे की टीम रही, जिस पर मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल द्वारा विजेता नॉर्दर्न रेलवे की टीम को व उप विजेता सेंट्रल रेलवे की टीम व तीसरे नंबर पर पूर्वोत्तर रेलवे की टीम को कप देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूर्वोत्तर रेलवे में अब अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद्र अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय विजेता खिलाड़ी ने कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा की गई है, जिसमें बड़े बड़े पहलवानों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि कुश्ती हमारे देश का परंपरागत खेल है और पूर्वोत्तर रेलवे की भी परंपरा रही है। कुश्ती में आगे रहने की उससे एक और कड़ी बढ़ा पाए, इस बात का हमको बहुत प्रसन्नता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह पूर्वोत्तर रेलवे की कुश्ती एक कदम और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली विजेता उप विजेता टीम को बधाई देता हूं। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह सहित कुश्ती के खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल ने कहा, और देश के अर्जुन अवार्डी भी उपस्थित है।
प्रतियोगिताएं जीतने वाले और अर्जुन अवार्डी भी करते हैं। मुझे बताया गया कि ये प्रतियोगिता में पहला स्थान शायद उत्तर रेलवे को मिला है, तो उत्तर रेलवे की बहुत बधाई है जीतने के लिए। और दूसरा शायद एमपी रेलवे है, और लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे जो है भी तीसरे स्थान पर है। तो आप सभी को, हम सभी को आज जो आप लोगों ने स्थान जीता उसके लिए बधाई है। कुश्ती जो है हमारे देश का पारंपरिक खेल है, और आजकल जो है क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी एक कुश्ती एक ऐसी चीज़ है जहाँ जितने इनाम जीतते हैं, जब भी ओलंपिक होते हैं तो सबकी निगाह हमारे पहलवानों पर ही जाती है। पूर्वोत्तर रेलवे में भी कुश्ती की बड़ी अच्छी ट्रेडिशन रही है, और यहाँ पर भी बड़े बड़े पहलवान यहाँ से पूर्वोत्तर रेलवे के लिए लड़े हैं, जिन्होंने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है, ये जो पूर्वोत्तर रेलवे की रीत है और जो पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथा है, उसको मेरे ख्याल से आगे बढ़ाएगी और आगे बढ़ाएगी, उसमें हमें और रिइंफोर्स करेगी, हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करेगी। मैं आशा करता हूँ कि जितने हमारे अतिथि जो हैं पूर्वोत्तर रेलवे के पहलवान, उनके कोच और खिलाने वाले टेक्निकल अधिकारी, इन सब का यहाँ पे हम लोग ने जो इंतज़ाम किया है वो आप सब लोग को, आपके लिए अच्छा रहा होगा, सही रहा होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग समय निकाल के इस नगरी में गोरखपुर में, जहाँ की हमारे मुख्यमंत्री साहब ने काफ़ी चीज़ें उन्नत की हैं, उसको एक बार ज़रूर चक्कर लगा के देखेंगे और यहाँ से मीठी यादें लेके जाएंगे। आप सभी को, सभी प्रतियोगियों को और जितने संगठन के जितने अधिकारी हैं जो रेलवे बोर्ड से आए हैं, और जिन्होंने और ये प्रतियोगिता कराने में पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड एसोसिएशन का साथ दिया, उन सभी को धन्यवाद, और नेताओं को अपने बताइए धन्यवाद। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रवि कुमार ने, भारतीय टीम ने भी अपनी जगह बनाई है, जो प्रतियोगिता भागते रहे थे उन्होंने, इंडियन टीम में भी अभी रिसेंटली जो ट्रायल हुई है ग्रीको रोमन की, उसमें भी उन्होंने पक्की करी है। जिस लेने के लिए एक कोच आ जाए उसके बाद में आप सेलिब्रेट करें पूरी टीम करना। चीफ गेस्ट के 62वीं ऑल इंडिया रेसलिंग ग्रीको रोमन चैंपियनशिप में तृतीय स्थान प्राप्त किया है एनएआर की टीम ने। सर में द्वितीय स्थान जिसका टीम का नेतृत्व श्री ध्यानचंद अवार्डी, श्री धर्मेंद्र दलाल जी, अर्जुन अवार्डी। एक मिनट देखिए, ये हमारे लिए बड़े हर्ष और बड़े गर्व की बात है कि पूर्वोत्तर रेलवे में कई अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय विजेता यहाँ पे आए हैं हमारी इस मुख्यालय में गोरखपुर नगरी में, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो इंटर रेलवे हुई है, बड़े बड़े पहलवानों ने आके इसको गौरवान्वित किया है, और हम लोग एज होस्ट हम लोग ये गर्व मानते हैं हम कि हमें ये मौका दिया रेलवे बोर्ड ने,
और हम ये प्रतियोगिता बड़ी अच्छी तरह कर पाए। आप सभी जानते हैं कि कुश्ती जो है हमारे देश का परंपरागत खेल है, और इसलिए ऐसा मौका हम लोग को मिला जिससे इस खेल को हम आगे बढ़ा पाए। और हम जो पूर्वोत्तर रेलवे की भी परंपरा और रीति है कुश्ती में आगे रहने की, उसमें एक और कड़ी आगे बढ़ा पाए, इस बात का हमें हर्ष है। और हम आशा करते हैं कि इसी से आगे जो है पूर्वोत्तर रेलवे की कुश्ती में और एक कदम और आगे बढ़ेगी हमारी कुश्ती। विजेता जो है उत्तर रेलवे रही है, विजेता नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रही है, और पूर्वोत्तर रेलवे तीसरे स्थान पर रही है। तीनों टीमों को बहुत बहुत बधाइयाँ।